कल ही की बात है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को एरिया निकालने के लिए दिया। मैंने जैसे ये फिगर दी तो उन्होंने कहा, ये कौन सी फिगर है मैडम? आपने अभी तक हमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल्स ये सब तो सिखाया, ये क्या है? तो ये वो पॉलीगॉन है जिसमें ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर, जैसे ए बी और सी डी, सिर्फ आपस में पैरेलल है। पैरेललोग्राम में दोनों पेयर्स पैरेलल होते हैं। ये है ट्रपीजियम। ट्रपीजियम में सिर्फ एक पैरेलल साइड्स का पेयर होता है, सिर्फ एक पेयर। और ए डी और सी बी ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये पैरेलल नहीं होते। सो दिस इज अ ट्रपीजियम, अ पॉलीगॉन विथ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। आप अगर देखें, इसका एरिया निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, हाफ हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी ये ए बी आपका बी से रिप्रेजेंट किया है, सी डी को ए से रिप्रेजेंट किया है। सो हाफ हाइट ऑफ द ट्रपीजियम इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। लेकिन इस फॉर्मूले तक हम पहुंचेंगे कैसे? या मान लीजिए एग्जाम में हम भूल ही गए, तब इसको निकालना कैसे? चलिए ये देखते हैं। इस फिगर को अगर हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें डी ई, एक और परपेंडिकुलर बनाएं सी एफ, ये बन गए बेस पे परपेंडिकुलर्स। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स हैं तो ये डिस्टेंस सी डी और ई एफ का मेजरमेंट सेम होगा, तो ई एफ अब आपका बन गया ए। जब ये ए बन गया, इस पार्ट को हम एक्स कह सकते हैं और इसको हम वाई कह सकते हैं। मतलब ए ई इक्वल्स एक्स, बी एफ इक्वल्स वाई और ई एफ इज नाउ इक्वल टू सी डी, दैट इज ए। और ये है आपकी हाइट, जो ट्रपीजियम की हाइट है। इसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इस फिगर को। तो अगर आप देखें तो ये एक ट्राइंगल है, ये एक रेक्टेंगल और ये एक और ट्राइंगल। तो इन तीनों का एरिया अगर ऐड कर दें तो आपको मिलेगा ट्रपीजियम का एरिया। तो अगर ये फॉर्मूला मान लीजिए आपको याद नहीं रहा, तब भी आप इसका एरिया बहुत इजीली निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। फिगर वन, फिगर वन है आपकी ट्राइंगल ए ई डी, विच इज़ अ राइट ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ एक्स इंटू एच, ये हो गया फिगर वन का एरिया। सेकेंड फिगर है आपकी ई एफ सी डी या सी डी ई एफ, वो है एक रेक्टेंगल जिसमें लेंथ इंटू ब्रेथ उसका एरिया होता है। लेंथ है आपकी ए और ब्रेथ है एच, या वाइस वर्सा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेकेंड का एरिया आपका आ गया ए इंटू एच। और ये ई एफ ए कैसे आया, मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स हैं। नेक्स्ट है फिगर थ्री। फिगर थ्री इज वंस अगेन अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में ये भी एच होगा क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। सो ई एफ सी डी के पैरेलल है, इसलिए डी ई और सी एफ की लेंथ सेम होगी। दोनों परपेंडिकुलर्स हैं पैरेलल लाइंस के ऊपर, इसलिए उनकी लेंथ सेम होगी। तो ये भी एच हो गया। इस ट्राइंगल का बेस है वाई, तो इसका एरिया हो गया हाफ वाई इंटू एच। ये तो आपके तीनों फिगर्स के आ गए एरिया। अगर हम तीनों को ऐड करें तब देखिए आ गया आपके ट्रपीजियम का एरिया, हाफ एक्स इंटू एच प्लस ए इंटू एच प्लस हाफ वाई इंटू एच। इसमें से हाफ और एच को कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस टू ए प्लस वाई। ये टू ए क्यों आएगा यहाँ पर? क्योंकि हमने हाफ कॉमन लिया है। अगर इस हाफ को इससे मल्टीप्लाई करें, हाफ इंटू टू ए, दैट विल गिव यू ए, जो ए हमारे पास था। अब अगर देखेंगे ए को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ए प्लस ए, क्योंकि ए तो दो, टू ए मीन्स ए प्लस ए। और अब देखिए एक्स प्लस ए प्लस वाई बिकम्स बी। आपको ध्यान होगा ये टोटल था बी, तो ये आपका बन गया हाफ एच इंटू एक्स प्लस ए प्लस वाई बिकम्स बी, और बचा क्या, एक ए, सो इट बिकम्स ए प्लस बी या बी प्लस ए। और ये देखिए आपका ये फॉर्मूला
ऑलरेडी निकला हुआ था, दैट मींस हाफ हाइट इन टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन, इसमें हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, जिसके सारे मेजरमेंट्स जो आपको एरिया निकालने के लिए चाहिए वो दिए हुए हैं। ए बी 12 सेंटीमीटर्स, सी डी 10 सेंटीमीटर्स, डी ई परपेंडिकुलर यानी हाइट इज 4 सेंटीमीटर्स। आप एरिया का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं, हाफ हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आपके पास हाइट है 4, एक पैरेलल साइड आपकी, अगर आप इसको ए माने तो ये 10, और नीचे अगर इसको बी बोलें तो ये 12। अब 2 और ये 4 कैंसिल होके 2 बचा, यहाँ 2 इंटू 10 प्लस 12 इज 22, सो द एरिया कम्स टू बी 44 सेंटीमीटर स्क्वेयर। पूरे फिगर का एरिया देखिए एक फॉर्मूले से कितनी आसानी से निकल जाता है, 44 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अगर कुछ उल्टा हो, मान लीजिए आपको दिया हुआ है एरिया और इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है, या तो वन ऑफ द पैरेलल साइड्स मिसिंग है या हाइट का आपको मेजरमेंट नहीं दिया है, तो वो किस तरह निकालेंगे चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में एरिया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, आपको वन ऑफ द पैरेलल साइड्स यानी 20 दिया है, लेकिन ये पी क्यू आपका मिसिंग है, आपको पी क्यू का मेजरमेंट निकालना है। वंस अगेन अगर आप एरिया देखें तो हाफ एच ए प्लस बी, इसको आपके पास ऑलरेडी 450 की फिगर तो है ही है, तो 450 इक्वल्स हाफ एच आपके पास है 15 और यहाँ है 20 प्लस एक्स, इसको अगर हमने पी क्यू को एक्स मान लिया, आप देखिए 2 इंटू 450 या सीधा सीधा इसको कैंसिल कर सकते हैं 30 से, 30 इंटू 2 इज 60 इक्वल्स 20 प्लस एक्स, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर्स। दैट मींस आपका PQ है 40 सेंटीमीटर्स। एक और क्वेश्चन करते हैं जहां हमारे पास एरिया दिया है, हाइट दी है, लेकिन हमारे को दोनों पैरेलल साइड्स का मेजरमेंट नहीं दिया है, बस उनके बीच का एक रिलेशनशिप दिया है कि एक पैरेलल साइड दूसरी पैरेलल साइड से थोड़ी बड़ी है। चलिए इस तरीके का प्रॉब्लम अभी अटेम्प्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में पी क्यू और एस आर दोनों का मेजरमेंट ना देके एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, वो है पी क्यू इज लॉन्गर देन एस आर बाय 6 सेंटीमीटर्स। एरिया दिया है आपको 105, हाइट दी है 7 सेंटीमीटर्स। अब आपको दोनों पैरेलल साइड्स का मेजरमेंट निकालना है, उसके लिए फिर से हम वही करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ मिसिंग एक नहीं दो वेरिएबल्स हैं, पी क्यू भी मिसिंग है और एस आर भी। लेकिन अगर एस आर को एक्स माने तो आप देखिए पी क्यू आप लिखेंगे एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर्स, एक एक्स है तो एक एक्स प्लस 6, बस फॉर्मूला लगाइए 105 इज इक्वल टू हाफ, एच की जगह रखिए 7, एक्स प्लस 6, ये डायरेक्टली मैंने फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यूज। आप देखिए 2 इंटू 105 इज 210, 7 इंटू 2 टू एक्स प्लस 6, 7 इंटू 30 इज 210, सो 30 माइनस 6 इज 2x, x की वैल्यू 24 डिवाइड बाय 2 इज 12 सेंटीमीटर्स। दैट मींस SR 12 है और PQ होगा 18 सेंटीमीटर्स, क्योंकि PQ 6 सेंटीमीटर्स लॉन्गर है SR से। इस तरह से एक ही फॉर्मूला यूज करके बहुत सारे मिसिंग वेरिएबल्स निकाले जा सकते हैं। So hope you enjoyed the session today. Stay tuned for more and more videos on Maths and English on Idea Infini. Hope you are liking all our videos. So send in your suggestions and queries in the comment box.
share the videos with your friends and press the bell icon for the latest information on all the videos of Maths and English. And don't forget to subscribe the channel, Idea Infinity.